श्री गोरखनाथ मंदिर एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर महंत दिग्विजयनाथ ट्रस्ट एवं महंत अवैधनाथ न्यास के ट्रस्टी तथा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र नाथ वर्मा जी के निधन के पश्चात बुधवार को गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेतियाहाता स्थित उनके आवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की और स्वर्गीय धर्मेंद्र नाथ वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वर्गीय वर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में शोषितों एवं वंचितों को न्याय दिलाने के लिए जीवन पर्यंत कार्य किए थे। स्वर्गीय वर्मा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है। इस अवसर पर स्वर्गीय धर्मेंद्र नाथ वर्मा के पुत्र नरेंद्र नाथ वर्मा सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वर्गीय वर्मा के परिजनों ने कहा, प्रखर वर्मा धर्मेंद्र नाथ वर्मा मेरे बाबा जी, उनकी डेथ जो हुई है वो 31 जनवरी 2021 एक तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया गया है और आज महाराज जी ने उसी दिन आश्वासन दिया था कि वो ज़रूर आएंगे मिलने और आज महाराज जी हम लोगों से मिले, हम लोग को आशीर्वाद प्रदान किया हम सभी परिवारजनों को और बाबा का आशीर्वाद पूरे परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। वो बहुत लोकप्रिय थे पूरे शहर में, सारे शहरवासी बहुत कर्मठ, सबके लिए अच्छा ही सोचा उन्होंने, कभी कभी कुछ बुरा नहीं सोचा। आज उसी का फल है कि आज हम लोग फल फूल रहे हैं। धन्यवाद। उनका पुत्र नरेंद्र नाथ वर्मा पुत्र हूँ और मेरे पिताजी बहुत सामाजिक कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे, कई जगह के अध्यक्ष पद भी पे थे और 31 तारीख को उनका देहांत हुआ और 13 तारीख को उनका तेरही वाला कार्यक्रम होना। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे और आप लोगों से मिले हैं जी, क्या बात हुई? कुछ ढाढ़स उन्होंने आशीर्वाद दिया, ढाढ़स बताया दुखद परिवार को उन्होंने और हमेशा मठ के हम लोग का 3 पुश्तों से है तो आगे अब संबंधों को हम लोग ऐसे ही उसको कंटिन्यू रखेंगे। आशीर्वाद दिया, हर तरफ से आश्वासन दिया और आगे बढ़ने का उन्होंने प्रण की।
मेरा नाम प्राची वर्मा है और मैं धर्मेंद्रनाथ वर्मा जी की पोती हूँ और मैं ये बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं उनकी पोती हूँ। एंड मतलब जितना उनकी लोग इज्जत करते हैं और ये हमारा घर, हम सब लोग उनके बिना अधूरा रहेगा और हम लोग उनको बहुत, लेकिन हमें ये पता है कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और रहेंगे आगे। उनकी कमी हमेशा रहेगी।